असलकुम इस सेशन में हम सिनेम्स के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे सिनेम्स होते हैं क्या हैं देखते हैं ये हम मानी अलफाज होते हैं जिनके मानी ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होते हैं. तो जब आप कोई शेड्स ऑफ मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो तो अगर आपको सिनेम्स आते हो या एक जैसे मानी के मिलते जुलते कई अल्फाज आते हो तो आप एग्जैक्ट अपना मतलब के हिसाब से एक लफ्स चुन सकते हैं बेसिकली जितनी आपकी अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा आप अच्छी तरह आ, इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड को यूज़ करके अपना मतलब कन्वे कर सकते हैं जैसे अगर आपने कहना है किसी बच्चे के बारे में बात करनी है और आप हैं सनी गेव और स्वीट स्माइल या आप हैं नोटी स्माइल या आप हैं फ़नी स्माइल एंड मामा फॉर हिम फॉर लिपस्टिक मार्क्स ऑन द मिरर एंड हर फेवरेट लिपस्टिक टू अब इसमें से फ़नी स्वीट नोटी ये सारे लफ्स जो हैं एक जिस लफ्स में मुकम्मल तौर पे जामे तौर पे इंक्लूड हो जाते हैं दैट्स इम्पिश इम्पिश होता है एक छोटा सा नोटीसा डेवल तो सनी गेव एन इम्पिश स्माइल एंड मामा फॉर गेव हिम फॉर द लिपस्टिक मार्क्स ऑन द मिरर हर फेवरेट लिपस्टिक टू जब आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इम्पिश इट मीन्स ऑल ऑफ दी अदर थिंग्स तो अगर आपको इस तरह के ज़्यादा अल्फाज आते होंगे तो आप अपनी मर्जी का एक्जैक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं नोटी से मिलता जुलता मतलब है लेकिन इसमें थोड़ी सी शरारत ज़्यादा है नोटी की नस्बत तो ये दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिवाइस या टूल कि आप अल्फाज को मिलते जुलते अल्फाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप उसके अलावा आप अपने मतलब को एक मुख्तसर तरीक़े से बयान कर सकते हैं अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहना है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द शॉर्ट एंड ब्रॉडली बिल्ट मैन साइलेंट एंड अनमूवड तो आप उसकी बजाय कह सकते हैं द स्टॉकी मैन रिमेन्ड साइलेंट एंड अनमूवड स्टॉकी मैन मीन्स जो शख्स छोटा सा चौड़ा सा इंसान होता है उसके लिए ये ये यूज़ होता है नॉट फैट इट्स डिफरेंट फ्रॉम फैट इट्स जस्ट ब्रॉड बिल्ट ठीक है इसी तरह अगर आपने कहना है द जेंटल द प्रिटी नेचुरल सीन रिमाइंडेड हिम ऑफ होम ऑफ हन्जा तो आप कह सकते हैं द इडलिक्स सीन प्रिटी क्वाइट परफेक्ट सा पैराडाइज टाइप का तो उसके लिए एक वर्ड है ए जो आप यूज़ कर सकती हैं लेकिन ये उसी वक्त आपकी अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होगा जब आप ख़ुद पढ़ेंगे पढ़ने की आदत डालेंगे देखेंगे ये वर्ड्स दूसरे अच्छे राइटर्स कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वर्ड कहाँ पर फिटा सकता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा ये है कि जब आप सिननम्स uh, की आपको या हमानी अल्फाज की ज़्यादा आपको पता होता है तो आप जो एक कोई चीज़ आप कह रहे हैं उसमें रिपीट किए बगैर या एक ही लफ्ज़ को बार बार कहे बगैर आप अपनी बात कर सकते हैं और उस तरह से पढ़ने वाले को बोरियत का एहसास नहीं होगा या यासानियत का एहसास नहीं होगा जैसे ये सेंटेंसेज जो हैं इसको आप देख सकते हैं शी न्यू हर एम्स इन लाइफ वर वाइडेड येट शी क्लंग टू हर मैनिसिंग गोल्स तो दूसरी बार में हमने दोबारा से एम्स नहीं कहा हमने गोल्स कह दिया हालांकि मतलब उनका एग्जैक्टली exactly सेम है इसी तरह दूसरे सेंटेंस में द यंग मैन हैड एंगजाइटीज़ अबाउट हिज फ्यूचर इट वॉज दिस नर्वसनेस दैट हेल्ड हिम बैक तो एक दफ़ा हमने एंगजाइटी का वर्ड यूज़ किया दूसरी दफ़ा नर्वसनेस का वर्ड यूज़ किया बजाय इसके कि हम दोबारा कहते इट वॉज दिस एंगजाइटी दैट हेल्ड हिम बैक विच वुड बी बोरिंग और वो जुमला बहुत हैवी सा हो जाता और पढ़ने में फ्लो में ना पढ़ा जाता तो इसका सिनिनम्स को जानने का एक ये भी फायदा है इसके अलावा आप एक थाट को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें इजाफ़ी कोई मालूम या इजाफ़ी फ्लेवर दे सकते हैं बाई यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ड क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल मानी कुछ सिनेम्स के होते हैं और कुछ के थोड़े से डिफरेंट होते हैं जैसे ये एक कोई शख्स ट्रेन की खिड़की से अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे हैं और उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है ग्रैंड मदर के बारे में ये देखिए आप एज द ट्रेन अप्रोच गुजरां वाला रेलवे स्टेशन सुनीता सॉ हर ग्रैंड मदर स्टेटली एज एवर दो द मर्की ट्रेन विंडो थ्रू द मर्खी ट्रेन विंडो द मेट्रिया स्टिल काट अ स्ट्रॉग फिगर ऑल साइंस ऑफ व रिटर्न लार्ज ऑन हर फेस एंड हु कोड ब्लेम हर आफ्टर ऑल देट शी हैड सीन तो इसमें ग्रैंड मदर पहले यूज़ किया है वर्ड और दूसरी बार मेट्री आर्क किया मेट्री आर्क का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली जो कि ख़ातून हो और बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ख़ातून हो इसी तरह पहली बार स्टेटली का वर्ड यूज़ किया है और दूसरी बार स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ किया है मिलते जुलते हैं लेकिन वो एक थाट को आगे बढ़ा रहे हैं रिपीट नहीं करें थाट को आगे बढ़ा रहे हैं सो दैट्स हाउ दिस इज़ हेल्पफुल ये इम्पॉर्टेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है वोकेबलरी का कुछ ये हमने आ, आपके लिए टॉम सोयर में से एक इकतबास निकाला हुआ है दिस इज़ फॉर योर इंटरेस्ट जैसे कि ये ऊपर वाला जो है इसको हमने चेंज किया हुआ है औरिजिनल से ऊपर वाला है देर कम्स अ टाइम इन एवरी राइटली कंस्ट्रक्टेड बॉयज़ लाइफ वैन ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर एंड डिक फॉर अ हिडन ट्रेजर ही वॉन्ट्स टू गो वांट्स टू गो की बजाय जो उन्होंने एक्चुअली मार्क ट्वेन ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो देखिए है। there comes a time in every rightly constructed boy's life when he has a raging desire to go somewhere and dig for hidden treasure so wants to versus has a raging desire so uski urgency or idea so this is how you can use similar meaning words to add more flavor and uh, extra interest to what you're saying as a writer वकीबलरी को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट जो मेरी समझ में नहीं आता बजाय अदर देन रीडिंग पढ़ना ज़रूरी है और जो आप पढ़ते हैं अपनी एक ही तरह की चीज़ें या एक ही इंटरेस्ट की चीज़ें ना पढ़ें अगर आप रीडर्स रीडर पढ़ते हैं तो आप मिस्ट्री नावल्स पढ़ें अगर आप मिस्ट्री नावल्स पढ़ते हैं तो आप कोई हिस्टोरिकल नावल्स भी पढ़ना शुरू करें उससे आपको नई नई वकीैबलरी और नए नए फ्रेज़ेस सीखने का मौका मिलेगा जर्नल रखें अच्छी जो आपको अल्फाज या फ्रेजेज़ लगते हैं आप कहते हैं हाँ ये कितनी अच्छे तरीका है तो उसको नोट कर लें उन फ्रेजेस को नोट करके और अपना एक वो वर्ड लिस्ट अपनी बना के रखें ताकि जिस वक्त आप लिखें आप उसको इस्तेमाल कर सकें उनको लिख के रख के भूल ना जाएं उनको इस्तेमाल करें भी अपनी किसी फेसबुक पोस्ट में अपनी किसी ईमेल में उनको अपनी रवानी में और अपनी करंट वो में लाने के लिए उनका इस्तेमाल फ़ौन शुरू कर दें इंतज़ार ना करें कि जब मैं वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करूँगी तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करूँगी इनको साथ इस्तेमाल करें अच्छा एक हमारी पैसिव वकीबलरी होती है वो लफ्ज़ जो हम सुनते हैं तो समझ जाते हैं उनका मतलब क्या है लेकिन वो हमारी एक्टिव वकेबलरी का हिस्सा नहीं होते क्योंकि हम उनको ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते हमें एकदम से उनका ख़्याल नहीं आता हमारे लेवल से थोड़े बाहर होते हैं उस उन लफ्ज़ों को जिनकी आपको मानिए आते हैं आप सुनती हैं आपको अच्छे लगते हैं उनको भी अपनी एक्टिव वकीबलरी में लाएं यानी उनको भी इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि जब आप लिखने बैठें तो फ्लो में वो ऑटोमेटिकली आपको वो वाले लफ्ज़ भी आपके ध्यान में हो और इसके अलावा जिन अल्फ़ाज के आपको मानी नहीं आते उनके आप मतलब देखें और जब कोई लफ्ज़ पढ़ें या कोई फ्रेज़ पढ़ें तो उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करें सोचें कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है ये इसने कैसी बात कर दी राइटर ने अच्छा ये अच्छा तरीका है इसी तरह फिर आप अपने लिखे हुए को भी जब एडिट करेंगे तो आप उसको एक तनकीदी नगाह से देख के उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं ये कुछ आपकी दिलचस्पी के लिए वैसी कुछ वर्ड्स हैं Uh, अगर आप uh, उसको रूट वर्ड्स को या जो प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि जो हिस्से लफ्ज़ों के शुरू में या आखिर में लगते हैं उनके मानी जान लेंगे तो आप वर्ड्स के मतलब गैस भी कर सकते हैं जैसे डी का मतलब है दूर लेके जाना या हटा देना किसी चीज़ से जैसे कि डी न्यूक्लियराइज यानी न्यूक्लियराइजेशन से हटा देना डी वर्म वर्म्स से दूर कर देना डी uh, ग्रेड करना यानी कि रुतबे से किसी को दूर करना या बेइज्जत करना बेसिकली डीफॉरस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट हटा देना जंगलात को हटा देना इसी तरह क्रेसी का जो वर्ड है उसका मतलब होता है रूल डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल थियोक्रेसी जिसमें कि किसी रिलीजन के ऊपर बेस करके होता है एरिस्टोक्रेसी जो कि किंग्स होते हैं मोनार्क्स वगैरह होते हैं मेरिटोक्रेसी जिसमें जो भी कोई डिज़र्व करता है उसको मेरिट की बेसिस के ऊपर हकूमत मिल सकती है तो ये अगर आपको ये प्रीफिक्स और सब के कुछ के मतलब आते होंगे तो आप अल्फाज की मानी गैस भी कर सकते हैं और इस तरह आपकी वोकेबलरी में इजाफा भी हो सकता जब आपके पास आ, आ, इंटरनेट की रिसोर्स हैं आप उनको यूज़ करें और आपको जो लफ्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो या उसके हमानी अल्फाज जानना चाहते हैं तो आप थसारस डॉट कॉम के ऊपर डाल के उनके मतलब ले सकते हैं रिवर्स डिक्शनरी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ीचर है जिसमें आपके जहन में अगर कोई मतलब है ना तो आप वो मतलब डाल दें और वो उसके लिए आपको लफ्स दे देगा जैसे अगर आप लिखेंगे टू वॉक इन अ टायर्यर्ड वे तो वह आपको लिख देगा ट्रज एक लफ्स है उस्मानी के लिए सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसोर्स ग्रामर गर्ल जो है ये बहुत मशहूर एक वो वेबसाइट है इसके ऊपर सिनेम्स के बारे में भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और, और लिखने के बारे में भी बहुत अच्छी हैं सो ग्रामर गर्ल इज़ हाईली रिकमेंडेड आई लुक टेरी इंटरेस्टिंग डिक्शनरी डॉट कॉम और इसके अलावा कुछ वकेबलेरी की टेस्टिंग की भी एप्प्स हैं जो टेस्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं वो हो सकते है आपके लिए इतनी यूज़फुल ना हो आपको वर्ड्स चाहिए जो आप यूज़ कर सकें ना कि वर्ड्स की मानी बताने की एबिलिटी दैट मे नॉट बी सो रेलिवेंट फॉर यू इसके uh, कुछ स्क्रीन हैं वर्ड ऑफ द डे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिक्शनरी डॉट कॉम वाले एक सहूलत है उनकी आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें आपको हर रोज़ का वो एक वर्ड देते हैं वो वर्ड जो है उसका प्रोनंसिएशन भी होता है ऊपर जो स्पीकर का जो बना हुआ है उसकी डेफिनेशन होती है अगले पिछले वर्ड्स भी सारे होते हैं और दिस इज़ वेरी आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल आपको कहीं जाना नहीं पड़ता वर्ड के लिए वो आपके इनबॉक्स में ईमेल में आ जाता है आप उसको देखें जो आपको अच्छे लगते हैं आप यूज़ कर लें उसकी रूट भी जैसे आप देख सकते हैं उसकी वर्ड की रूट भी बताई हुई है उन्होंने ऑरिजिन क्या है मतलब क्या है किस तरह इस्तेमाल होता है सो दिस इज़ ऑल इंपॉर्टेंट सिर्फ मीनिंग आपको ये नहीं बताते कि लफ्स इस्तेमाल कैसे होना है दिस मेक्स ऑल ऑफ दैट वेरी क्लियर तो बट इन देंड ये सारी रिसोर्सेज हैं बट इन देंड देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग तो रीडिंग को अपना दोस्त बनाएं किताब को दोस्त बनाए ब्लॉग्स पढ़ें जो भी कुछ आपको इंटरेस्ट करता है पढ़ें दैट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर बिल्डिंग योर वोकैबलरी एंड अ गुड रिसोर्स ऑफ सिनेम्स